यूपी बोर्ड परीक्षा में बुधवार को द्वितीय पाली में होने वाली इंटरमीडिएट की इंग्लिश का पेपर लीक होने का मामला बलिया में सामने आया। पेपर लीक मिलने की सूचना मिलते ही माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 24 जनपदों में परीक्षा को निरस्त कर दिया, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। जिसके संबंध में जनपद के DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पेपर लीक का मामला बलिया से आया है तथा इंग्लिश का पेपर गोरखपुर सहित 24 जनपदों में द्वितीय पाली का पेपर निरस्त कर दिया गया है। वहीं इंग्लिश का पेपर अब 13 अप्रैल को प्रथम पाली में होगा। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को बोर्ड की परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वह मेरे पर्सनल नंबर एवं कंट्रोल रूम प्रभारी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, अरे सर अभी 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा सर, इतना तेज चार्ज होता है हम टाइप सी से। हाँ ये है तो आपके पास, ये चार्ज तो होगा। हाँ सर पेपर लीक मामले में क्या आज अंग्रेजी का पेपर था द्वितीय पाली में, तो सूचना प्राप्त हुई कि बलिया में जो प्रश्न पत्र प्रकटन की के जो सीरीज थी वो गोरखपुर सहित 24 जिलों में वही सीरीज गई हुई है, उसकी जांच की जा रही है। और आज की जो परीक्षा द्वितीय पाली की अंग्रेजी की थी पूरे जनपद के साथ 24 जिलों में निरस्त की जा चुकी है। सर कोई नंबर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो मेरा जो नंबर है 94544 57342, फिर नोट कर लीजिए सब लोग, 94544 57342। एक और नंबर मेरे पास में है 94508 91120। तीसरा नंबर भी नोट कर लीजिए आप, 97 94 52 5000। इसमें किसी भी नंबर पे कोई भी अभिभावक, कोई भी बच्चा या किसी भी कोई जिज्ञासा हो बोर्ड की परीक्षा के संबंध में, मेरा व्यक्तिगत नंबर है और जो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम के प्रभारी उनका नंबर है, तत्काल उनकी समस्या का वो निस्तारण किया जाएगा।